हमारे यहाँ अमेठी में तो राहुल गांधी, राहुल गांधी लड़ेंगे तो राहुल गांधी, वोट उन्हीं को है। बैंक मैनेजर आएगा इनके लड़का ही। आपका लड़का है वो? हाँ, बिटुआ है आपके? बैंक मैनेजर है? बैठे भैया, भैया बैठे जरा। क्या नाम बताया आपने? लल्लू राम विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, अभी क्या माहौल दिख रहा है आपके इधर अमेठी में? हमारे यहाँ अमेठी में तो राहुल गांधी, राहुल गांधी लड़ेंगे तो राहुल गांधी, वोट उन्हीं को है। हाँ। अच्छा, कहे स्मृति ईरानी को कहे नहीं? अब नहीं है, इच्छा हमारी यही है। हाँ। कि हम वोट देंगे तो राहुल गांधी को, अगर वो खड़े होंगे तो। अच्छा, अगर वो नहीं खड़े होते तो कोई बात है नहीं। अच्छा, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से कोई और मानो कांग्रेस से खड़ा हो जाए तब? नहीं देंगे। नहीं देंगे, गांधी परिवार से ही कोई खड़ा होना चाहिए जी। अच्छा, तो क्या कारण रहा कि पिछली बार आपने गांधी परिवार को नकार दिया, फिर स्मृति ईरानी को ले आए? आपकी आपकी कह रहे हैं कि आपकी फिर गांधी परिवार में से राहुल गांधी खड़े हो जाए तो उनको जिता देंगे? हमने नहीं नकारा, हम पिछली बार भी वोट दिए थे, अब की भी देंगे। अच्छा जी, इसलिए कि जो दो बिस्सा खेत हमको मिला है उन्हीं की वजह से मिला है। अच्छा। गांधी परिवार की वजह से मिला है। स्मृति ईरानी तो कहती कोई काम हम नहीं कराए राहुल गांधी, 15 साल निकम्मे सांसद को झेला है अमेठी के लोगों। भाई वो राजनेता है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं कहेंगे, हम लोगों को बहुत कुछ दिए हैं। क्या क्या दिए आप लोगों? रोड दिए हैं, यहाँ ये लकड़ी का जो है जंगल है वो सब व्यवस्थाएं, वन विभाग दिए, बहुत कुछ दिए हैं। 1975 से लेकर 1975 में इंदिरा गांधी के जब समय था तो कांग्रेस ने ही जो है ये पट्टा का आवंटन किया था 1975 और 76 में। तो हम लोग उसे जीविका चला रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं को और करेंगे ना। अच्छा जी, स्मृति ईरानी का क्या हाल है? स्मृति ईरानी को तो यहाँ पर आदमी बहुत कम चाह रहे हैं। कम चाह रहे हैं? कम चाह रहे हैं, ज्यादातर कांग्रेस को चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब कमियां हम ज्यादा बता भी नहीं पाएंगे, अनो कहना चाहते क्योंकि ये क्षत्रिय बस्ती है यहाँ पर ज्यादा। अच्छा। हाँ। नहीं, मैं समझी नहीं, क्यों नहीं बता पाएंगे? हम नहीं कह सकते ना। हाँ। कमियां क्या है क्या नहीं है? अच्छा, हम छोटे वर्ग के हैं। अरे छोटे वर्ग बड़े वर्ग क्या होता है, आपकी सांसद है। हाँ, आपकी सांसद को रिपोर्ट कार्ड तो आप ही देंगे, आप 5 साल बाद उन्होंने क्या काम किया, आप समय आ गया रिपोर्ट कार्ड देने? हाँ, रिपोर्ट कार्ड देने का तो समय बिल्कुल आ गया है, मगर यही है कि क्या काम किए हैं क्या नहीं किए हैं, हम यहाँ उतना है, हम तो मजदूर आदमी है, सीधी सी बात है, हम इस राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। अच्छा चलिए, आपने कहा कि यहाँ के लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं, तो ये क्यों बोला आपने? हैं कांग्रेस, मैं यहीं पर सुनता हूँ, तभी तो मैं ये प्रश्न उठाया। हाँ। यही कहा मैंने। अच्छा। हाँ, तो स्मृति ईरानी से क्या नाराजगी? क्या नाराजगी? कुछ नहीं है नाराजगी, उनसे भी नहीं है, उनको भी देने वाले हैं, क्या ये नहीं है कि उनको देंगे? 5 साल देख लिया, जो वादा किया वो सब कुछ कर पाई कि नहीं कर पाई? वो तो कार्य नहीं किया है, जो वादा किया था वो कार्य नहीं किया, अगर किए होते तो ऐसे बातें ना उठती यहाँ पर। अच्छा, स्मृति ईरानी के सामने अगर आपके कांग्रेस से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या फिर गांधी परिवार में से कोई उतरता है तो आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी की इस बार जीत आसान रहेगी, मुश्किल रहेगी? मुश्किल रहेगी। मुश्किल रहेगी। अमेठी तो मुश्किल रहेगी। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र लूट ले जाएंगे, ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ। वैसे रहेगा जैसे था। हाँ। मतलब आपको डर नहीं है कि मंगलसूत्र छिन जाएगा? मंगलसूत्र कहाँ छिन जाएगा? हाँ। और कहाँ छिनता था, जब छिनता था आप तो नहीं छिनता किसी का मंगलसूत्र। आपको क्या लग रहा है, मतलब अगर गांधी परिवार में से कोई आ जाए जैसे प्रियंका गांधी राहुल गांधी, तो स्मृति ईरानी की लड़ाई मुश्किल होगी आसान होगी? मुश्किल होगी। अच्छा, तो क्यों मुश्किल होगी? रानी तो कहती है कि निकम्मे सांसद झेला है 15 साल अमेठी की जनता ने, राहुल गांधी बड़े निकम्मे सांसद हैं। नहीं, हम तो किसी को निकम्मे नहीं कहेंगे। फिलहाल स्मृति ईरानी ने 13 रुपये पिछली बार सांसद हुई थी तो बोली थी मैं अमेठी में 13 रुपये किलो चीनी बिकवाएंगे। हाँ, बोली थी। और अब तो 42 रुपये हम सीधा डायरेक्ट बिक रहा है। की बार क्या माहौल है आपके अमेठी में भैया, तनिक घूम जाओ। हम ठीक है, जो कह रहे हैं सब ठीक है। हम इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते, जब टाइम आता है तो हम अपने आप वोट कर देते हैं बस। अच्छा, तो हिंदुत्व के नाम पे वोट करते हो कि काम के नाम पर वोट करते हो? क्यों? हाँ। चाहे हिंदुत्व हो चाहे हिंदू है तो हम हिंदू उसको करेंगे। तो हिंदू के नाम पर वोट करोगे? ये जरूर पूछ रहे हैं। क्या करोगे पूछ करके, जब देखो वो है जो हमारी इच्छा कहेगी वो हम वोट करेंगे, एंड टाइम पे डिसाइड लेते हैं। तो हिंदू के नाम पर करोगे कि विकास के नाम पर करोगे? विकास के नाम पे करेंगे।
तो हिंदू के नाम पर क्यों नहीं करोगे? विकास के ऊपर काम करते हैं, देखो हिंदू तो है ही है, बाकी सब कुछ देखते हैं। तो हिंदुत्व तो भाजपा कहती है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे तो देखा जाएगा। जब 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 बनेगा तो देखा जाएगा। अभी आप क्या अमेठी में स्मृति ईरानी बना पाएगी नहीं बना पाई? हमें क्या पता कि देखो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे भाई, ना ना ये हम नहीं जानते। अच्छा मंगलसूत्र मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस आ गई तो छीन जाएगा, हद कर दी आपने। देखो मंगलसूत्र किसका कर, देखो कौन छीन लेते हैं। अरे मोदी जी कहे हैं कि कांग्रेस छीन लेगी। अरे छीन लेगी कैसे छीन लेगी भाई, हम हमारे पीछे क्यों पड़े हुए? अगर आ गई कांग्रेस तो, ये मोदी जी बोले हैं। देखो कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी, बीजेपी आएगी कि कौन आएगा, वो तो लास्ट का स्कोर बताएगा बस। अच्छा स्मृति ईरानी कहती राहुल गांधी निकम्मे सांसद थे, उनको झेला अमेठी के लोगों ने। जो कहते हैं कहने दो, कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब कि निकम्मे तो हम सब भी हैं भाई। क्यों बिल्कुल निकम्मे हम क्यों? आखिर कर वोट कैसे? स्मृति ईरानी तो कहती है हमने बहुत काम कराया, बहुत करा दिया, चमचमवा दिया आपके अमेठी को। बस ठीक है ऐसे कोई है, गुस्सा लग रहा है। नहीं नहीं गुस्से की बात, निराश है, निराश है हम। क्या है तबीयत, आप देख रहे हो बुढ़ापा तो आ ही गया है। कहां बुढ़ापा आ गया है? और क्या 62 साल के हो गए, 62 इयर्स। तो 62 इयर्स में आप बूढ़े थोड़ी हो गए? नहीं 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 अभी तो आप जवान हैं। नहीं 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 ये बात आपकी गलत है, ये आपके गलत है। यहाँ देखो आपको पता है 40-50 साल के आदमी। राहुल गांधी अगर लड़ गए तो स्मृति ईरानी की लड़ाई आसान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। वो फाइट बताएगा कि कैसे, देखो कौन किसका वो कर रहा है, वो तो अच्छा दिल में क्या लगता है? दिल में हम स्मृति ईरानी पास या फेल इतना ही बता। नहीं 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 हम कुछ नहीं कहते, फेल या पास ना ना 10 में से कितना? हम कौन होते हैं कि देखो क्या कहते हैं फेल और पास करने वाले, हम कोई नहीं। 10 में से कितना? ना 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 10 में से बता। नहीं 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 9 बस। अच्छा चलो नहीं बताना चाहते, फिर भी दादा ने बहुत कुछ कह दिया है, बिना बताए भी बहुत कुछ बोल गए हैं। हमारा काम है उनके मन से बातें निकालना, कोशिश पूरी कर रहे थे। वो तो सबका काम होता है। दादा जो है अपने अपने रंग में थे, हम अपने रंग में थे। खैर अभी आगे और जाना है और पूरे अमेठी का हाल जानना है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा काम है जो हमारी इच्छा कहेगी वो करेंगे। वो किसी को ना बता। नहीं नहीं किसी को नहीं, किसी को नहीं बताते, वो तो टाइम बताता है कि किसका। चलिए किसका सिक्का चमकेगा अमेठी में हम बताएंगे आपको, रुके रहिए आइए।